हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाइडली स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी का रिजल्ट कैसे चेक करें या कैसे देखें, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपना ही एसएससी जीडी का रिजल्ट निकाल कर दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने भी एसएससी जीडी का फॉर्म डाला था। तो देखते हैं क्या मेरा एसएससी जीडी में नंबर आया है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र है, इसे ओपन कर लेता हूँ मैं दोस्तों। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सर्च मारेंगे सरकारी रिजल्ट। ये पहला ही ऑप्शन ले रखा है सरकारी रिजल्ट, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर पहले ही ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे रिजल्ट के वाले ऑप्शन में। ये रिजल्ट वाले ऑप्शन में दोस्तों आकर यहाँ पर इसे ओपन कर लेंगे। नीचे आ जाएंगे दोस्तों, नीचे आते रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे ही आ जाएंगे तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डाउनलोड रिजल्ट। यहाँ पर डाउनलोड रिजल्ट में भी मेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं मेल ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक ये फाइल डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो दोस्तों आप पीडीएफ व्यूअर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ व्यूअर खुल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये फाइल खुल जाएगी, इतने सारे नंबर इसमें, इतने सारे नाम शो हो जाने लगेगा आपको। तो दोस्तों इतने सारे रोल नंबर में आपको अपना नाम कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले आपको अपना जो आप रोल नंबर है उसे नोट कर लेना है। उस रोल नंबर को आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर, ये देखो यहाँ पर इस सर्च ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर यहाँ पर डाल देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं अपना रोल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने अपना रोल नंबर डाल दिया और ये सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं सर्च वाले ऑप्शन क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं दोस्तों वो रोल नंबर शो हो रहा होगा। तो आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर नीचे आते रहूँगा उतरूँगा यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा नाम शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने ये रोल नंबर डाला तो यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर ये मेरा नाम शो हो रहा है, शिवम कुमार। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये मैंने अपना नंबर चेक कर लिया है, और इससे ये पता चलता है कि मेरा एसएससी जीडी में नंबर आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं एसएससी जीडी का। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे एसएससी जीडी का रिजल्ट, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी उस ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है जो आपने उस एसएससी जीडी के फॉर्म पर डाली थी। तो यहाँ पर ईमेल वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर सर्च में लिखेंगे यहाँ पर एसएससी जीडी, ये लिखेंगे दोस्तों एसएससी जीडी एडमिट कार्ड। जैसे ये सर्च कर लेंगे और यहाँ पर आपको ये एक फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इसे ओपन कर लेंगे दोस्तों, और यहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ HTML व्यूअर को क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। और यहाँ से ये जो रोल नंबर दिख रहा है आप इसे क्या कर लेंगे दोस्तों, कॉपी कर लेंगे। यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके दोबारा से आप वहीं आ जाएंगे जो आपने डाउनलोड करी थी फाइल, ये डाउनलोड करी हुई फाइल ऊपर रहेगी दोस्तों, इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च पर फिर से ऑप्शन आ जाएंगे और उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे दोस्तों, आपका अगर रोल नंबर इस लिस्ट में शो होगा तो ज़रूर आपको आ जाएगा, और नहीं होगा तो आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों,